हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाजिया कनेक्ट। आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज मंचूरियन। ये मंचूरियन हम विद ग्रेवी बनाएंगे। साथ ही मैंने आपको वीडियो में बताया है कि कैसे आप ड्राई मंचूरियन भी बना सकते हैं। तो ये देखिए कितने जबरदस्त से मंचूरियन बने हैं, ना ऊपर से सॉगी है ना अंदर से ड्राई है, एकदम परफेक्ट सा बैलेंस है मॉइस्ट मंचूरियन बॉल और अमेजिंग सी सॉसी ग्रेवी का। इस वीडियो में मैंने आपको दो तरह से मंचूरियन बॉल्स फ्राई करना भी दिखाया है। एक तो है रेगुलर डीप फ्राइंग और दूसरा हम बिना ऑयल के इसे एयर फ्रायर में कैसे बनाएं, ये भी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो अब देर नहीं करते हैं, चलते हैं रेसिपी की तरफ। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। वेज मंचूरियन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है कैबेज अराउंड 2.5 कप्स, इसके साथ ही मैंने लिया है गाजर 1 कप। गाजर और कैबेज दोनों को ही मैंने फूड प्रोसेसर में डाल के इस तरह से श्रेड कर लिया था। आप चाहें तो किसी चॉपर का इस्तेमाल कर लें या फिर कद्दूकस की मदद से इस तरह से इसको ग्रेट कर लें। बेसिकली हमें इसे महीन महीन ग्रेट कर लेना है। इसी तरह से मैंने कैरेट को भी ग्रेट कर लिया है। तो चलिए अब हम इन वेजीज से मंचूरियन के बॉल बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं कैबेज और कैरेट को मिक्स कर दे रही हूँ। आप चाहें तो अपने पसंद की और वेजीज भी ले सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी नमक। तो नमक मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ 1.5 टीस्पून। नमक थोड़ा ज्यादा ही यूज करेंगे क्योंकि नमक डालने से क्या होगा कि जितना भी पानी है इन सब्जियों में वो रिलीज हो जाएगा और फिर जब हम इनके बॉल्स बनाएंगे तो वो बहुत अच्छे से बनेंगे और पानी में भी नमक चला जाएगा और सब्जियों में भी रहेगा, इसलिए हम नमक थोड़ा ज्यादा ही इस्तेमाल कर रहे हैं। नमक डालने के बाद सभी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट में सारा पानी रिलीज हो जाएगा, फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और सब्जियों ने काफी पानी रिलीज कर दिया है। ये देखिए, जब मैं अपने हाथों से सब्जियों को दबा रही हूँ तो मेरे हाथ में बिल्कुल पानी आ जा रहा है। तो चलिए अब हम इन सब्जियों से पानी को स्क्वीज कर लें। तो बस मैं अब अपने हाथों की मदद से थोड़े थोड़ी सब्जियां लेती जाऊंगी और इन्हें इस तरह से स्क्वीज करती जाऊंगी। जो पानी निकल रहा है सब्जियों से वो आप बिल्कुल भी ना फेंकें, उसे डिस्कार्ड ना करें, उसका इस्तेमाल हम आगे मंचूरियन की ग्रेवी में करेंगे। उस पानी में बहुत फ्लेवर्स हैं, सब्जियों का स्टॉक है, तो बिल्कुल भी उसको वेस्ट ना करें। और मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए जो सब्जियां हैं उन्हें स्क्वीज करने के बाद एक छलनी में रखी हूँ ताकि अगर और पानी भी हो तो वो निकल जाए। बस इस तरह से मैं सारी सब्जियों को स्क्वीज कर लेती हूँ। ये मैंने सारी सब्जियों को स्क्वीज कर लिया और आप देख सकते हैं कि कितना पानी था सब्जियों में। इसको मैं स्ट्रेन कर लेती हूँ ताकि आगे ग्रेवी में इस्तेमाल कर सकूं। अगर हम इसे ऐसे ही ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे तो इसमें छोटे छोटे पीसेस हैं कैबेज और कैरेट के, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए स्ट्रेन करना बेटर रहेगा। और अब इन सारी सब्जियों से पानी भी निकल चुका है तो चलिए बॉल्स बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल में लिया है सब्जियां जिनसे अभी हमने पानी निकाला है। आप देख सकते हैं कि सब्जियों की क्वांटिटी भी अब कम हो चुकी है पहले से। सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून। आप चाहें तो चॉप जिंजर और चॉप गार्लिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रेड चिली पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून। 1/2 टीस्पून डालेंगे चाट मसाला, इससे टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। इसके अलावा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये मैगी का मसाला है, मैजिक या रेडीमेड मसाला है। इसको डालने से मंचूरियन का टेस्ट बहुत इन्हांस हो जाता है, तो आई सजेस्ट आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो मैं ये मसाला ऐड कर रही हूँ 1.5 टीस्पून। और हाँ, अगर आप ये नहीं ऐड करना चाहते या ना हो तो इसकी जगह पर आप धनिया जीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं 1 टीस्पून। अब वेजीज के साथ मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर पाउडर, तो ये बाइंडिंग के लिए है। मैं यहाँ पे अभी 4 टीस्पून ऐड कर रही हूँ, अगर आगे जरूरत पड़ी तो हम और ऐड करेंगे। तो जितना हमने कॉर्नफ्लोर पाउडर ऐड किया है उतना ही ऐड करेंगे मैदा, यानी कि ऑल पर्पज फ्लावर। तो 4 टीस्पून वो था, तो 4 टीस्पून ही हम मैदा भी ऐड करेंगे। इतना ऐड करके हम बाइंड करके देखेंगे कि अगर बाइंड हो रहा है तो ठीक, अगर नहीं हो रहा है तो फिर थोड़ा सा हम और ऐड करेंगे, दोनों ही चीजें इक्वल क्वांटिटी में। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और अब मैं अपने हाथों से बॉल्स बना के देख लेती हूँ कि हमारे बॉल्स बन पाएंगे या नहीं। कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा बहुत मॉइस्चर सब्जियों में ज्यादा हो जाता है, इसकी वजह से हमें 1-2 टीस्पून ज्यादा ऐड करना पड़ता है कॉर्नफ्लोर और मैदा। तो ये देखिए, बॉल्स तो बन रहे हैं मगर थोड़ा सा मॉइस्चर अभी लग रहा है इनमें, तो हम इसमें थोड़ा सा मैदा और कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे।
वापस से मैंने इस मिक्सचर में ऐड किया है 1 टीस्पून मैदा और 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर। तो पहले 4 डाला था और अभी 1 डाला, तो टोटल 5 टीस्पून कॉर्नफ्लोर और 5 टीस्पून मैदा हमने इस्तेमाल किया है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया और अब आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। अब इसके बॉल्स बहुत आराम से और अच्छे बनेंगे। तो चलिए अब मैं इनके बॉल्स बनाती हूँ। अब इस मिक्स का थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेते जाएंगे और इसे एक बॉल की तरह बनाते जाएंगे। आपको जिस साइज का बनाना है उतना पोर्शन लें और उसी हिसाब का बॉल बना लें। और ये हमारा एक मंचूरियन बॉल तैयार हो गया। इसी तरह से मैं बाकी के बॉल्स भी तैयार कर लूंगी। और इतनी सब्जियों के साथ मैंने 13 बॉल्स तैयार किए हैं। डिपेंडिंग ऑन द साइज आप 13 से 15 मंचूरियन बॉल्स इतने इंग्रेडिएंट्स के साथ बना सकते हैं। तो चलिए अब इन मंचूरियन बॉल्स को फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई लिया है और उसमें डाला है तेल, और तेल को हम मीडियम फ्लेम पे गरम कर लेंगे। तेल जब अच्छा गरम हो जाएगा तो हम उसमें ऐड कर देंगे ये मंचूरियन बॉल्स। मैं यहाँ पे सारे बॉल्स नहीं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया, मैं दो तरह से बॉल्स फ्राई करके दिखाऊंगी। एक हम फ्राई करेंगे ऑयल में, जिसे हम डीप फ्राइंग कहते हैं, और दूसरा हम करेंगे एयर फ्रायर में। बॉल्स डालने के बाद आप 2 से 3 मिनट तक बॉल्स को बिल्कुल भी टच ना करें। आप चाहें तो इस तरह से चम्मच की मदद से बहुत ही केयरफुली उनके ऊपर तेल डाल सकते हैं। आप अगर अभी टच करेंगे तो हो सकता है बॉल्स बिखरने लगे या टूट जाए। एक बार अच्छे से एक तरफ से फ्राई हो जाएंगे, फिर हम इन्हें पलट के दूसरी तरफ से फ्राई करेंगे। जब ये एक तरफ से हो जाएंगे तो हम इन्हें पलट देंगे और इसी तरह से पलट पलट के दोनों तरफ से इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमें फ्राइंग हमेशा मीडियम ऑयल पे ही करनी है मंचूरियन बॉल्स की, ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक सकें। ये अच्छे फ्राई हो चुके हैं, इनका कलर भी बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अब हम इन्हें पैन से निकाल लेंगे। तो ये तो हो गई डीप फ्राइंग ऑफ मंचूरियन बॉल्स। अब हम चलते हैं एयर फ्राई करने की तरफ। एयर फ्रायर में बहुत कम ऑयल के साथ काफी अच्छे मंचूरियन बॉल्स फ्राई हो जाते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने एयर फ्रायर को ऑन कर लिया है, प्लग इन कर दिया है, और अब इसका ये जो बॉक्स होता है जिसमें ये फ्राई करने की चीज़ें हम डालते हैं, वो निकालेंगे और इस पर स्प्रे करेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। या तो आप स्प्रे कर लें या फिर किसी ब्रश की मदद से लगा दें। और अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगी ये मंचूरियन बॉल्स जो मैंने अभी बना के रखे हैं। बस सभी बॉल्स को हमें सिंगल लेयर में इसमें लगा देना है। और अब हम इसे लगा देंगे फ्रायर में फ्राई होने के लिए। और अब इसे फ्राई करने के लिए हम टेम्परेचर सेट कर देंगे। तो जो आइडियल टेम्परेचर जिस पे मैं फ्राई करती हूँ, वो करती हूँ मैं 325 फ़ारेनहाइट पे। साथ ही ऑन कर देंगे टाइमर 15 मिनट के लिए। और बस ये अब अपना काम खुद करेगा, मुझे कोई काम नहीं करना है। बहुत ही इजीली और कम ऑयल में इसे फ्राइंग हो जाती है। तो ये देखिए टाइमर ऑफ हो चुका है, हीट ऑन बटन अब ऑफ हो गया, और अब हम इसे ओपन करके देखते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो गए हैं। और ये फ्राई हमने बिना ऑयल के किया है, बस ऑयल स्प्रे किया था। मैक्सिमम आपको 1/2 टीस्पून ऑयल की ज़रूरत होगी इस तरह से एयर फ्रायर में फ्राई करने के लिए। अब दोनों तरह से मंचूरियन बॉल्स फ्राई हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अगले स्टेप में, जहाँ पे हम मंचूरियन की ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है, और सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 कप ऑयल। ऑयल को हम मीडियम फ्लेम पे गरम कर लेंगे। जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम उसमें ऐड करेंगे ये जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली। तो मैंने यहाँ पे लिया है 2 टीस्पून लहसुन, 2 हरी मिर्च और 1 टुकड़ा अदरक का। ये अदरक हम ग्रेट करके ऐड करेंगे। तेल अच्छा गर्म हो गया, तो चलिए इसमें सबसे पहले डालते हैं लहसुन और हरी मिर्च। इसके साथ ही मैं इसमें ग्रेट कर दूंगी अदरक भी। लहसुन और अदरक को हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है, क्योंकि फिर ये जल जाएंगे और हमें इन्हें जलाना नहीं है। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये चॉप अनियन। तो मैं यहाँ पे 1/2 चॉप्ड अनियन का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर टेबल स्पून से मैं आपको बताऊँ तो ये अराउंड 4 टेबल स्पून है। अनियन को हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अगेन हमें अनियन भी ज्यादा फ्राई नहीं करनी है, कलर चेंज बिल्कुल नहीं होने देना है। अनियन हल्की फ्राई हो चुकी है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कैप्सिकम। तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून चॉप्ड कैप्सिकम। कैप्सिकम ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं, बस फ्लेवर के लिए डाल रहे हैं, इसलिए जितना आपने अनियन लिया है उसका 1/2 चॉप्ड कैप्सिकम इस्तेमाल करें।
और अनियन और कैप्सिकम दोनों ही फाइनली चॉप्ड होनी चाहिए। कैप्सिकम को भी हम एक मिनट के लिए इसमें फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसमें फिर से कैप्सिकम ऐड करेंगे, मगर इस बार जो हम कैप्सिकम ऐड करेंगे वो इस तरह की लंबी लंबी कटी हुई कैप्सिकम है। आप देखते होंगे कि बाजार में जब आप मंचूरियन खाते हैं तो इस तरह की लंबी लंबी कैप्सिकम आपको मिलती है। तो ये मैंने हाफ ग्रीन और हाफ रेड का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो पूरी ग्रीन का इस्तेमाल कर लें या पूरी रेड कैप्सिकम का। इसे भी हम सभी चीजों के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ज्यादा नहीं, बस अराउंड 1 मिनट के लिए। ये फ्राई हो गए हैं तो आप कुछ स्पाइसेस डालते हैं। तो सबसे पहले डालेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इससे क्या होगा कि मंचूरियन का जो कलर है वो बहुत अच्छा से आएगा। और अब इसमें ऐड कर देंगे ये चिली सॉस। तो आप किसी भी ब्रांड का चिली सॉस ले लें। चिली सॉस मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून। चिली सॉस के बाद डालेंगे केचप, और केचप भी हम 2 टेबलस्पून ही इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद ऐड करेंगे सोया सॉस। तो सोया सॉस भी मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून यूज कर रही हूँ। मेरे पास लाइट वाला सोया सॉस है। अगर आपका सोया सॉस ज्यादा डार्क है तो आप 1.5 टेबलस्पून का इस्तेमाल करें। अब ये तीनों सॉसेस को भी हम अच्छे से मिला देंगे अनियन और कैप्सिकम के साथ। और अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। इंडो चाइनीज फूड में ब्लैक पेपर का फ्लेवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं उसको ग्रेवी में भी ऐड कर रही हूँ और बॉल्स में भी ऐड किया है। अगर आप ड्राई मंचूरियन बना रहे हैं तो आप इसी स्टेज पे मंचूरियन बॉल्स ऐड कर दें और उसे सौते करके सर्व कर दें। क्योंकि हम ग्रेवी वाला बना रहे हैं तो इसके लिए हम एक सेलरी तैयार करेंगे। तो ये है वो पानी जो हमने कैबेज और कैरेट से स्क्वीज आउट किया था। तो हम इस पानी में अब ऐड कर देंगे 2 टीस्पून कॉर्न स्टार्च या कॉर्न फ्लावर। आप चाहें तो ये सैलरी पानी में भी बना सकते हैं, मगर क्योंकि मेरे पास ये सब्जियों का पानी ऑलरेडी मौजूद था इसलिए मैं इसमें बना रही हूँ। और इससे फ्लेवर भी अच्छा आएगा क्योंकि इसमें सारी सब्जियों का भी टेस्ट है। तो ये 2 टीस्पून कॉर्न फ्लावर के साथ इसे हम इसमें अच्छे से डिजॉल्व कर लेंगे और इसकी एक सैलरी तैयार कर लेंगे। हमने जो ये सैलरी तैयार की है ये हम ऐड कर देंगे इस अनियन और कैप्सिकम और सॉसेस के मिक्स में। तो जब भी आप ये डालें सॉस के मिक्स में इसे एक बार ज़रूर चला लें, क्योंकि कॉर्नफ्लोर अक्सर ऐसा होता है कि पानी में नीचे की तरफ बैठ जाता है। तो आप एक हाथ से इसे ऐड करते जाएं और दूसरे हाथ से स्पैचुला को चलाते रहें, क्योंकि लम्स फॉर्म नहीं होने चाहिए। और क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा थिक लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दूंगी ताकि कॉर्नफ्लोर जो है वो अच्छे से डिजॉल्व हो जाए। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं तो आप इस स्टेज पे ग्रेवी का नमक एक बार टेस्ट कर लें। अगर नमक आपको कम लगे तो आप थोड़ा सा नमक ऐड कर दें, क्योंकि अभी तक हमने ग्रेवी में नमक नहीं ऐड किया है। ग्रेवी में जो भी नमक है वो सॉसेस की वजह से, और जो भी हमने पानी ऐड किया उसमें ऑलरेडी नमक था इसलिए है। तो यहाँ पे आप नमक एडजस्ट कर लें। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये मंचूरियन बॉल्स जो हमने एयर फ्राई करके रखा और डीप फ्राई करके रखा है। तो मैं सभी मंचूरियन बॉल्स एक साथ ऐड कर दूंगी। मंचूरियन बॉल्स ऐड करने के बाद हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। तो अगर आप इसे किसी पार्टी या किसी इवेंट के लिए बना रहे हैं और आपको उसी वक्त नहीं सर्व करना है तो आप ग्रेवी बना के अलग रख लें और बॉल्स फ्राई करके अलग रख लें, और फिर सर्व करने से बस 5 मिनट पहले दोनों को मिलाएं, 1-2 मिनट पकाएं और सर्व कर दें। अब ये बिल्कुल रेडी है तो मैं फ्लेम को करती हूँ ऑफ और इसे सर्व करके आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारे ज़बरदस्त से वेज मंचूरियन तैयार हैं। इसे इंजॉय कीजिए नूडल्स या फ्राइड राइस के साथ। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।